नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता रहे टीवी न्यूज चैनल। तो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव डिबेट। हमारे साथ में हैं रविराज जी, रविराज कुशवाहा जो संवाददाता है बांदा से, आशीष कुमार जी हैं जो ब्यूरो चीफ बांदा से हैं, और संत कुमार जी जो है क्राइम कंट्रोल बांदा से। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। थैंक यू सर। समय लोकसभा चुनाव जो 2024 चल रहा है, लगातार 400 बार का जो है नारा भाजपा दे रही है और इंडिया गठबंधन 300 का लगातार जो है नारा दोहरा रही है, कड़ी टक्कर है। इसी बीच हम बांदा के बारे में भी जानेंगे कि वहां से लोकसभा प्रत्याशी जो है भाजपा की तरफ से कौन खड़ा हुआ है और साथ ही उनके विपक्ष में कौन है। आशीष जी, लोकसभा जो है बांदा में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी? सर, इस समय मेन रूप से तो तीन ही दिख रहे हैं। एक हो गया इंडिया गठबंधन, दूसरा हो गया भाजपा, और तीसरा सर समझ लीजिए मतलब जो ये बीएसपी से। तो मेन सर दिख रहे, तीन ही दिख रहे हैं फिलहाल जी। कौन कौन प्रत्याशी हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है, आप हमारे दर्शकों को भी आप जो है बताएं। सर जैसे आर के सिंह पटेल जी हैं सर, ये दो बार यहाँ से सर रह चुके सांसद, और उसके बाद ये शिवशंकर सिंह पटेल जी हैं, ये भी सर मतलब जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और मयंक द्विवेदी जी जो है इनके पिताजी मतलब जो है बीएसपी में शायद विधायक रह चुके हैं सर। राजनीतिक जो है बैकग्राउंड है, तो पिछली बार भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी थे उनको कितना बहुमत मिला था, कितना वोट मिला था, कितने वोट से जीते थे? सर उनको वोट मिले थे वही 4,70,926 वोट मिले थे उनको, और उनके जो भी प्रतिपक्षी थे ये जो उनके विपक्षी थे श्यामाचरण गुप्ता जी, उनको मिले 4,18,988 वोट जी। इस बार बांदा क्या बोल रहा है? इसके अलावा कांग्रेस से थे, जो भाजपा का अभियान है 400 पार के, इसमें बांदा जो है सहायता करेगा, मदद करेगा नरेंद्र मोदी के इस मिशन में। सर इस बार तो शायद अब देखा जाए, जैसे पब्लिक का ओपिनियन लिया जाए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग सर ये इंडिया का जो इंडिया जो मतलब जो गठबंधन है ऐसा निकल रहा है हमारे यहाँ से, इंडिया गठबंधन जो है वो सीट आगे निकल रही है। इस बार जो है मतलब जी 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 श्याम जो शिवशंकर पटेल जी है जी। संत कुमार जी, आपका राजनीतिक आंकड़ा क्या कह रहा है कि जो आपके आसपास के जो वोटर हैं उनका क्या मत है कि किस कारण से इंडिया गठबंधन को लोग जो है चुन रहे हैं वहां पर बांदा में, और क्यों आखिर जो है भाजपा को छोड़ रहे हैं? क्योंकि भाजपा ने तो 370 दिया है, आवास दिए हैं, राम मंदिर भी दिया है, तमाम उन्होंने जो है अपने कार्य गिनाए भी हैं कि जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। किस वजह से लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, क्या नाराजगी है, क्या लग रहा है कि भाजपा से क्यों वोटर जो है ठीक पहले चुनाव से इलेक्शन से पहले नाराज हो रहा है जी? इसका रीजन ये है कि सर उनका बोलबाला ज्यादा है सर, और आदमी इसी में खुश नहीं है। बोलबाला ज्यादा है कि हम ये किए वो किए, अब किए कहीं कुछ नहीं है, हमारे यहाँ विकास के तौर पे तो कुछ नजर खास नहीं आ रहा है, बस रोड है आदमी के लिए 5 किलो गल्ला में तौले हुए हैं, इसलिए आदमी भड़का हुआ है। सबसे मेन रीजन यही है, 5 किलो में तो आदमी अब खुश नहीं है, अब जानते हैं 5 किलो हर वक्त काम नहीं देगा। और रह गई बात ये गठबंधन की, तो गठबंधन की सरकार में तो फिलहाल राहुल गांधी का आप देखो जो गारंटी। आपकी थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज आप और बोले, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। एक मिनट सर, वो लेके ब्लूटूथ लेकर आ रहा हूँ सर, एक मिनट जी जी, एक मिनट लैपटॉप से लगा। रविराज कुशवाहा जी, इस बार 5 किलो राशन क्यों काम नहीं आ रहा है? क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन तो हम गरीबों को दे ही रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि गरीबी रेखा से तो ऊपर आ गए, लेकिन अचानक एक बीमार आदमी अगर ठीक भी हो जाए तब भी डॉक्टर ये सलाह देता है कि कुछ दिन परहेज पर रहे ताकि वह जो है फिर बीमार ना हो जाए। तो क्या कारण रहा है कि जनता को जो है पीएम का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा है, और जो नया कॉन्सेप्ट जो कांग्रेस भी कह रही है कि समानता की बात कह रही है कि नहीं जिनके पास जमीनें हैं, और ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो एक अलग है, लेकिन भाजपा भी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी
तो लोगों की जमीनें, जिनके पास जमीनें हैं उनकी उनकी जमीनें छीन करके वो जमीनें जो है उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनके पास जमीनें नहीं है। क्या ये ठीक रहेगा जो ये कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है? सर सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो आप ये मान लीजिए जो लोगों को हम जा रहा है 5 किलो राशन पे, अगर ये रोजगार पे बात करें, ये जितने दौड़ रहे हैं जो 5 किलो राशन का मुद्दा ले, अगर यही शायद रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, तब तो जो है जनता जो है खुश रहे। ये तो दाना डालने का काम सरकार कर रही है भाई, अगर यही रोजगार अगर दिया जाए आपको आने वाले पीढ़ियों को जो है ठीक ठाक है। अब आप ये मान के चलिए जो है कि ना तो जो है हर रिजर्वेशन जो है वो भी ओबीसी का रिजर्वेशन में जो है खत्म हो जा रहा है जी। आप सर संत कुमार की आवाज आप तक आ रही है? जी 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 सर। हाँ संत कुमार जी, रोजगार क्या अगर इंडिया गठबंधन भी अगर सत्ता में जो है आता है तो क्या वो रोजगार मुहैया करवा पाएगा? क्योंकि तो पहले सत्ता में रहा है 70 सालों से, तो लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता जो है दे पाए, क्या वो रहेंगे तो रोजगार दे पाएंगे? और अगर रोजगार को जगह है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दोनों चीजें, क्या सत्ता बदलने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा जिनके पास रोजगार नहीं है? आखिर सरकारी नौकरी रोजगार है जी। कल के समय का जो सिस्टम था कुछ और था, आज कुछ और है। आज इस समय बेरोजगारी और बेरोजगारी रहे ना, तो उनके पास कोई सरकारी नौकरियां का कोई तालमेल खा रहा नहीं का निकालती। अभी देखो अभी फिलहाल निकाले वैकेंसी निकाले हैं यूपीपी की और इसी को पेपर लीक करवा दिया अभी, क्योंकि इसका मतलब ये रीजन था कि जो भी पेपर लीक हुआ है चुनाव में फायदा है। अब ये चुनाव में ऐसा नवयुवक लड़का तो आगे का तो देखेगा ही देखेगा, इसलिए मैं थोड़ा ना गौर करेगा। ये तो हमारी भावना है कि हम जो है क्या देखते हैं, हम तो आज देख रहे हैं कि चलो डिजिटल आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन डिजिटल कुछ ऐसा है कि डिजिटल के साथ साथ अभी फिलहाल अभी ये तो लगा हुआ कि काम रोजगार मिले पकौड़ा तलने से। सर ऐसा नहीं कि पकौड़ा तलने से रोजगार मिल जाएगा, वो तो अपने हिसाब से मिलता है, वो अपने से कोई भी कर ले, कोई पढ़े लिखे जाना पढ़े लिखे, अगर पढ़ेगा नहीं शिक्षित नहीं होगा तो पता विकास कैसे करेंगे? आज जो पढ़ा लिखा वही विकास करेगा, इसके बाद अगला क्या करेगा जो नवयुवक तैयार हो पढ़ेगा नहीं? विद्यालय देखते हैं आप जाते हैं विद्यालय में टीचर बैठे हुए हैं कोई देखने वाला नहीं उनको, बच्चा फिर रहा इधर उधर, देहातों में ऐसा सिस्टम चला है, पैसा तो बराबर दे रहे हैं लेकिन जो काम कुछ हो नहीं रहा, शिक्षा के बिल्कुल पीछे, शिक्षा में कोई नजर ही नहीं है। शिक्षा रोजगार दो तो मेन चीज है, और 5 किलो राशन और राम मंदिर में तो बिल्कुल फूले फूले फिर रहे हैं, मतलब जो है राम मंदिर से जो है रोजगार नहीं मिलेगा, आप जानते हैं सर राम मंदिर से रोजगार मिलने वाला नहीं है। रोजगार होगा जब लड़के काम करेंगे, और ये राम मंदिर का मेन चीज रीजन इनको कह रहे हैं कि हम होटल खुलवाएंगे वहाँ पे नौकरी दिलाएंगे तो होटल में काम करेगा सर होटल चलती है जी, मंदिर से अर्थव्यवस्था चलती है भारत के अंदर। जब 1800 जी भारत के अंदर जो है जिस समय 1718 में लॉर्ड क्लाइव आया था तो उसने मंदिरों पर जो है नियंत्रण किया, उसके बाद जो है आते आते जब सरकार आई 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ आजाद हुआ, उसके बाद 1951 में एक बिल आया और उस बिल में ये दिया गया कि मंदिरों पर सिर्फ नियंत्रण किया जाए बाकी किसी पर नहीं। मंदिरों पर नियंत्रण का अर्थ था कि किसी भी राज्य की कोई भी राज्य सरकार मंदिरों पर नियंत्रण करती है, मतलब कि उसके उस पर आने वाले चढ़ावे उसके आने वाले चढ़ावे पर सरकार का पूरा कब्जा होगा। 4 लाख मंदिर वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं, 4 लाख मंदिर, और लगभग 8 लाख करोड़ प्रतिवर्ष जो है मंदिर में जो आने वाला चढ़ावा है वो भारत सरकार में जाता है, भारत सरकार के राजकोष में। अन्य किसी भी धार्मिक स्थल में चाहे मस्जिद हो चाहे चर्च हो या गुरुद्वारे हो या फिर बौद्ध मठ हो, किसी का भी पैसा सरकार के पास नहीं जाता है। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे हॉस्पिटल बनते हैं, उसे सड़कें बनती हैं, उसे तमाम जो है विकास कार्यों को वो पैसा लगाया जाता है, जबकि ऐसा किसी अन्य धार्मिक स्थल में नहीं है। अगर एक मंदिर की जगह हॉस्पिटल मान लीजिए कि अगर अयोध्या में बन गया होता तो हॉस्पिटल में पहले दिन से खर्चे शुरू होते, चीजें शुरू होती, लेकिन अगर यही
अभिराज जी जी शायद आपकी तरफ से जो है, संत कुमार जी मैंने माइक जो है आपका बंद इसलिए किया हुआ है कि उधर से आवाज जो है वॉइस आ रही है। अयोध्या में अगर हॉस्पिटल बना होता तो केवल पहले दिन से खर्चे शुरू होते। अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर बना है तो प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ आने की संभावना है, कितने हॉस्पिटल तैयार करेंगे। अगर यहाँ पे मस्जिद बन जाती तो 1 रुपया सरकार को नहीं मिलता। अगर यहाँ पर मंदिर बना है तो 1,00,000 करोड़ आएगा, मंदिर से रोजगार कितना मिलेगा, पैसा आएगा 1,00,000 करोड़। अब 1,00,000 करोड़ से कितने हॉस्पिटल आप बनाएंगे, आप 500 हॉस्पिटल बना लीजिए, कितना रोजगार बढ़ेगा। अगर यहीं पर हॉस्पिटल बनता तो कितने नए हॉस्पिटल बन जाते, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनता। एक मंदिर के बनने से हजारों जो है विकास कार्य हो सकते हैं, जबकि उसी जगह कोई अन्य धार्मिक स्थल अगर बनता है तो कोई विकास कार्य नहीं हो पाता, केवल वो अपने धर्म को ही बढ़ावा देगा। लेकिन अगर यही मंदिर बनता है तो मंदिर से जितना पैसा आता है उस पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार के राजकोष में जाता है। इस समय जो है लगभग 44,00,000 करोड़ भारत सरकार की पूरी संपत्ति है, जो बजट है हमारा 44,00,000 करोड़ का है। अकेले 8,00,000 करोड़ मंदिर दे रहे हैं। मंदिर अगर कल को हट जाए तो हमारी श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार और बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज देखिए दुबई मंदिर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने एक मंदिर बनाया उसके बाद 8 और मंदिर का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका मंदिरों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस लिए, वहां जो जाने वाले श्रद्धालु हैं, जो पैसा चढ़ाते हैं उससे सरकार चलती है, उससे उनका राजकोष चलता है। रोजगार कैसे पैदा होगा, रोजगार जब किसी को दिया जाएगा, सरकारी नौकरी किसी को दी जाएगी तो वेतन दिया जाएगा, वेतन के लिए पैसा कहां से आएगा, वो तो कहीं ना कहीं आय के स्रोत होने ही चाहिए। अगर मंदिर है और उसमें 1,00,000 करोड़ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जा रहा होगा। 4,00,000 मंदिर इस देश को 1951 से और आज तक इस देश को कितना पैसा देते आए, कितना दूध देते आए। लेकिन जो वर्तमान समय में जो मंदिरों का कॉन्सेप्ट है तो सरकारों को, पिछली भी सरकारों को करना चाहिए था और जो नहीं किया गया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आप क्या कहेंगे जी संत कुमार जी? सर ऐसा नहीं है कि मंदिर बनने से किसी को नुकसान है, हम ये बात मानते हैं कि मंदिर से नहीं, मैंने नुकसान नहीं बताया, मैंने जो आपको आर्थिक व्यवस्था का जो हवाला दिया है, आप एक पत्रकार हैं और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इससे आप क्या समझे कि मंदिर बनने चाहिए। अगर 100 मंदिर और बनेंगे तो उससे पैसा, एक तो मंदिर क्या है, मंदिर में पैसा भक्तों का लगता है, सरकार नहीं लगाती, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें मंदिर में भक्तों का पैसा लगे और वो मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार को सीखा जाए, इससे ज्यादा सरकार का और क्या फायदा हो सकता है। कोई ऐसी जगह है जहां पर सरकार पैसा न लगाए और पैसा सरकार को पहुंच जाए, कोई आप ऐसी जगह बता दीजिए, कोई धार्मिक स्थल ऐसा बता दीजिए। तो मंदिर अगर बनेगा तो उसमें आने वाला जो चढ़ावा है वो तो सरकार को जा रहा है। कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कितने रोजगार देंगे आप, कम से कम लाखों को आप रोजगार, करोड़ों को रोजगार दिया जा सकता है जी। एक मंदिर राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जी। मंदिर से रोजगार नहीं, मंदिर से पैसा मिलेगा, ये बात सही है कि आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। जब पैसा मिलेगा तो रोजगार भी मिलेगा ना, वो तो सरकार को पैसा जा रहा है। अगर आपको रोजगार, मान लीजिए कि आप डॉक्टर बना दिए गए, सैलरी कहां से आपको दी जाएगी, तो आय का स्रोत है ना मंदिर। लेकिन 10 साल में सर काफी, ये ऐसा नहीं है कि टेक्निकल और ये जो है डिजिटल बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं सर कि इसमें जो है एक टट्टी घर 5 किलो राशन में आप वोट नहीं मांगे तो धार्मिक स्तर से मांगे, आप वोट तो जनता की में, आप जो है वोट के तहत। आपकी बात सही है, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन जो है उससे सरकार कितना बढ़ रही है कितना नहीं, लेकिन 5 किलो राशन उनसे भी तो पूछा जा सकता है जिनको जरूरत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन घरों में पैसा सरकारें भी कहां फेंक पा रही है। कांग्रेस थी, कितनी गरीबी हटाई, लेकिन जो आज भारत का नाम जितनी ऊंचाई पर जा रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा, अगली सरकारें कितना और आगे ले जाएंगी, क्या वो हमारी आर्मी को मजबूत करेंगी, क्या वो हमारी जो है आर्थिक जो व्यवस्था, जो हमारा जो आज हम बढ़ रहे हैं जिस तरह से, आज हमारे ऊपर जो कर्ज है वो GDP के बराबर है। आप सुपर पावर को देखिए, उन्होंने 64 गुना कर्ज ले रखा है। आप अगर चाइना की बात करें तो उन्होंने 47 गुना कर्ज ले रखा है। भारत एक दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अभी अपनी GDP के बराबर भी कर्ज जिसने नहीं लिया है। सर मेरा मानना जो है कि मंदिर हमारे देश को ही आवाज कट रही है, आपकी आवाज फटके आ रही है रविराज जी, अभी बोलिए आप।
क्या सर? हाँ अभी बोलिए, अभी बोलिए, आपकी आवाज जो है वो ज्यादा गूंज रही है। शर्मा ये जी, शर्मा ये कह रहा हूँ जो है कि मान, आप मान लीजिए हिंदू देश हमारा ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान में जो है भगवान के प्रति आस्था तो है ही है, हर व्यक्ति की आस्था है भगवान के प्रति। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज जो है आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ आस्था के प्रति जो है हमारा हिंदू धर्म ठीक है, हर व्यक्ति आस्था के प्रति टीका है जो है, मंदिर अपनी जगह में सही है, मंदिर कोई गलत नहीं है, कम से कम जो है लोगों को सरकार चलाने वाले को थोड़ा ये भी देखना चाहिए, देश हित का काम तो अच्छा हो, कम से कम जनहित का काम भी होना चाहिए।